तो गाइस हमारी खड़ी है एक गाड़ी, पर हम इसको लेके जाने वाले हैं नहीं क्योंकि हमारे यहाँ चल रहा है काम, तो बाइक लगाने की थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो बाइक को हम यहाँ से लेते हैं और करते हैं वहाँ पे खड़ी जहाँ पे अपनी डोमिनोर खड़ी है। तो फटाफट इसको लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। ये खड़ी रही अपनी डोमिनो, उसकी भी हालत सेम है। हॉर्न नोट को यहाँ पे डाल देते हैं ताकि ये जगह अपना रिजर्व रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं वाटर पार्क, यानी हम जा रहे हैं रिसोर्ट। हमने मेरे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि हम बहुत बार भाईंदर में जो फार्म रिजेंसी वहाँ पे जा चुके हैं। बस इस बार कुछ चेंजिंग का प्लान है तो चेंज हमने कर लिया है। हम जा रहे हैं पाली रिसोर्ट। तो बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि चलो यार बहुत हो गया एक ही जगह जा जाके, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो थोड़ा सा सर्च किया हम लोग ने और हम लोगों को मिला पाली रिसोर्ट जो कि पड़ता है उत्तन में। तो वहीं के लिए जा रहे हैं, बाकी दोस्त लोग के साथ ऑफिस के कलीग्स आएंगे तो सब मिलेंगे, हमें डायरेक्ट वहाँ पर भी मिल सकते हैं और मैक्सस के पास भी मिल सकते हैं, पर देखते हैं। टाइम हो रहा है 10:15 से सबको मिलना है, पर अपने पास कैसा चिता है तो लेट होने देगा नहीं। अभी हम पहुंच चुके हैं चेक नाका, कल चेकिंग बहुत चालू है तो हेलमेट वगैरह अपने डॉक्यूमेंट वगैरह कैरी करके रखना, और सही भी है एक्चुअली हमारे लिए ही है, कहीं ट्रैफिक मिले न मिले, यहाँ तो ट्रैफिक मिलना ही है। तो अगर आप सुबह 6 के पहले आते हो तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट इतने टाइम तो ट्रैफिक मिलना ही है। सामने सिटी डिलक्स वाले अंकल हमसे रेस कर रहे हैं, डोमिनोर की एक तो बात है अपनी है चीता ना, वो आपको कभी भी निराश होने नहीं देगी। तो अगर ये देखिए, अगर आपको ओवरटेक करना है ना तो इमीडिएट पावर लगता है, और क्या ही पावर है यार। इसको बस लेने का रीज़न यही था यार कि एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें रॉ पावर हो, तो जो नई वाली डोमिनोर है उसमें कैसा रॉ पावर नहीं है। तो ये है 2018 मॉडल डोमिनोर, तो भाई पावर का तो बाप। और जो लोगों को ब्रेक की शिकायत होती है ना डोमिनोर में, भाई 2018 वाला चलाओ, मेरी डोमिनोर में तो प्रॉब्लम नहीं है ब्रेक का यार। हम लोग मैक्सेस के पास तो पहुंच चुके हैं, श्री धरावी गद्दी माता का मंदिर भी है अंदर,
अगर आप मेरे पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे तो आपको पता होगा हम यहाँ आके गए हुए हैं। अब भी आओ अंदर, बहुत अच्छा मंदिर है माता का और चारों तरफ हरियाली, वो पहाड़ों से घिरा हुआ, बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुकून है यहाँ पे। देखो यही होता है, ब्रेकर पे ध्यान नहीं किया तो हम पहुंच चुके हैं माता धरावी देवी के मंदिर के पास। जय धरावी देवी माता मंदिर। ये देखो, ये मुझे बोले नीचे वेट करता हूँ और यहाँ पे आके ये लोग मेरे ऑफिस से कलीग हैं, ये वेट करना था इनको यहाँ पे और वेट मुझे यहाँ पे करवा रहे हैं। इसके चैनल को सब्सक्राइब मत करना, इसको वीडियो हटाओ, हटाओ वीडियो से इसको। सब दोस्त लोग पहुंच चुके हैं पर हम अपने आप को रोक पाए नहीं है क्योंकि ये देखिए इस ब्यूटी की वजह से हम लोग रुक चुके हैं। और मैं बता दूं, इसी को कहते हैं मिनी गोवा। गोवा वाला फील आ रहा है कि नहीं आपको, ये बताना। यहाँ पे फोटो सेशन चालू है और ये अपनी खड़ी रही बुल्ट और ये अपनी खड़ी रही रफ्तार, अब वो से तो चीता। तो चलते हैं यहाँ से फटाफट जहाँ पे जाना है हमें, क्योंकि लोग पहुँच चुके हैं, हमारा भी वेट कर रहे हैं। तो हमने एंट्री कर लिया है उत्तन में, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा फिश मार्केट है। तो फिश की स्मेल आने लगी है तो समझ जाइए हम पहुँच चुके हैं उत्तन में। ये देखिए सूखी मच्छी मेरे दोनों तरफ, बहुत ही छोटा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ हम पहुंचने वाले हैं अपने रिसोर्ट पे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये देखिए सूखी मच्छी यहाँ पे सूख रही है। जिस किसी को भी चाहिए भाई, प्लीज़ कमेंट में ऑर्डर कर देना, मैं उनके लिए लेकर आ जाऊँगा। गूगल पे करना ना भूलिए। यहाँ पे चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आप देख रहे हो, यहाँ पे नीचे पूरा मच्छी को सुखा रहे हैं और मच्छी पूरा वहाँ पे ऊपर भी है, आई थिंक वो बाम्बू पे। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं पाली रिसोर्ट और यहाँ चालू है फोटो सेशन। तो गाड़ी को हम करेंगे पार्क यहाँ पे कुछ छांव में। देखो ये लोग बोल रही का है, इनको पता ही नहीं। कर रही हूँ मीरा रोड से, पर आज मैं कॉलिंग नहीं कर रही हूँ, आज मैं आई हूँ पाली रिसोर्ट। ये हमारे ऑफिस के कुछ नमूने हैं। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तो वापस अगेंस्ट गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं पाली रिसोर्ट, तो आपका भाई हो गया है रेडी, चलते हैं हेलमेट को रखते हैं रिसेप्शनिस्ट के पास, फिर आपको गो थ्रू करवाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन सी राइड है। और 1000 rupees पर पर्सन है। ओके, वन डे पिकनिक का रहता है ये, उसमें ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स आता है और फैसिलिटीज में वाटर पार्क है, इंडोर आउटडोर गेम्स है। और जिस किसी को अगर फूड वगैरह नहीं चाहिए तो ओनली एंट्री भी रहता है वाटर पार्क में, 500 rupees। 500 rupees, ओके ओके। और लॉकर वगैरह है अपने पास ना? सर ठीक, चल
चलिए दोस्तों, आपको बताने का टाइम आ चुका है। हम लोग पहुंच चुके हैं पाली रिसोर्ट, और इस साइड आप देख सकते हो जहां तक नजर जा रही है समुंदर ही दिख रहा है, और यहां पे मछलियां सताई जा रही है क्योंकि ये उत्तन है तो जाहिर सी बात है। तो यहां से हमारी होती है एंट्री, और राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा रिसेप्शनिस्ट। जो भी कुछ इंक्वायरी वगैरह करना आप यहाँ से कर सकते हो, फीस वगैरह के बारे में, बुफे वगैरह के बारे में। बाइक पार्किंग वगैरह यहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है। यहाँ पे रिसेप्शन से कुछ ऐसे दिखते हैं यहाँ की प्रॉपर्टी। और अगर प्रॉपर्टी की बात करूँ, ये प्रॉपर्टी पूरी फैली हुई है 7 एकड़ के लैंड में। 7 एकड़ से प्राइवेट प्रॉपर्टी है पाली रिसोर्ट। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दूँ यहाँ पे पर पर्सन जो एंट्री है विथ बुफे मतलब विथ फूड 1000 रुपीज़ है, और विदाउट फूड यहाँ पे 500 रुपीज़ है। यहाँ पे आपको लॉकर की भी सुविधा मिल जाती है, लॉकर आपको 200 रुपीज़ डिपोजिट है जिसमें से और 100 रुपये आपको रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इस खूबसूरत प्रॉपर्टी को मैं आपको एक बार अपनी आँखों से दिखाता हूँ कि कैसी दिखती है और क्या क्या है यहाँ पे। मेरे सामने सारे यहाँ पे जो स्लाइड्स वगैरह हैं, स्विमिंग पूल है, यहाँ पे भी जो बुक वगैरह लगता है। अगर आप विद फूड लेते हो तो आपको 2 टाइम, एक आपको रहेगा सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट, और दोपहर में लंच मिल जाएगा। आना है काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, शांत पीस है। पर एक बात है, इस प्रॉपर्टी में सिर्फ कौन है, सिर्फ आपका भाई, ओनली मैं और मेरे कलीग्स जो ऑफिस के सिर्फ वहीं आए, और क्राउड है ही नहीं। तो आप बोल सकते हो हर एक राइड का हर एक वेट नहीं करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे कुछ स्लाइडिंग मिल जाते हैं, आई थिंक बंद है। और बड़े लोग का जो स्लाइड्स है यहाँ पे है, ये छोटे लोग का स्विमिंग पूल है वहाँ पे आइडेंटिकल है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग भी मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे आपको, यहाँ पे थोड़े बहुत स्लाइड्स हैं छोटे साइज के, आई थिंक बच्चे लोग के लिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमेशा डीजे चालू रहता है, तो यहाँ पे अगर आप बड़ा से निकाल सकते हो। ये रहे सारे स्लाइड्स, जो एक बार भाई लोग आएंगे तो फिर दवाई मचने वाली है। बस एक बार उनका वेट कर रहे हैं, वो आ जाए फिर खतरनाक। और ये रहे अपने लॉकर, यहाँ पे ले लिया है, बाकी एडल्ट लोग का बिल्कुल है, और ये बच्चे लोग के लिए। तो चलिए करते हैं थोड़ा सा वेट, और भाई लोग को आने देते हैं, थोड़ा सा मूड बनाते हैं, फिर मचाएंगे धमाल।
कैसा लगा? बाकी एक और बचा है, मौसम बहुत ही मज़ा आ रहा है और फ्लाइटिंग भी अच्छी खासी है। अभी लास्ट फ्लाइट की बारी है, वो भी सबसे बड़ा है। और आज की अपनी कंपनी देने वाली बंदी है, ये अपनी मिस क्वीन, ऑफिस की लाडली है एक्चुअली। अंकल है और ये अपनी साक्षी, ये अपनी खुशी स्नेहा और ये अपना बाबा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी दिशा फैमिली और सभी हम लोग आए थे पे यहाँ पे करते हैं पेट पूजा। अभी हम लोग कैसा है कि ना हम लोग मेडिकल जा रहे हैं, मेडिकल 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 से दवा लेने जा रहे हैं, बहुत पेन है। तो चलिए चल रहे यहाँ पे पेट पूजा करते हैं, फिर वापस आपको मिलते हैं पाली पाले द पाली। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को बाय बाय करते हैं, बाकी वीडियो में बताना कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। बाकी प्लेस तो काफ़ी अच्छा था, मैंने आपको फीस वगैरह तो बता दी, एंट्रेंस फीस वगैरह क्या थी, अगर आप फूड के साथ लेते हो तो क्या होगा और विदाउट फूड लेगा विदाउट फूड आपको क्या पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं पे एंड, बाकी चलते हैं यहाँ से घर के लिए। और अभी कैसे थक चुके हैं तो फिर बाकी तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते किसी और अच्छे से ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। फाइनली अपने जाने का टाइम आ चुका है और सब लोग ने काफ़ी इंजॉय किया, मज़ा आ गया यार, मानना पड़ेगा काफ़ी इंजॉय भरा रहा आज का दिन। तो चलते हैं सीधा घर के लिए, बाकी
वीडियो में बताना कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। लाइक जरूर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आपको हल्की हल्की फील तो आ रही होगी गोवा के।